अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद साथियों। इस वक्त मुझे आज लाइव आना था फेसबुक पर, लेकिन मैं नहीं आ सकी टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन मुझे ये ख़ास बातचीत ये करनी थी कि जो लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ख़िलाफ़ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। आखिर क्यों ये जानबूझकर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या देश में साजिश है दंगा करने की या दंगा करवाने की? जानबूझकर क्यों ऐसा बार बार प्रयास किया जा रहा है? और रही बात इसकी कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल खेलना बंद कीजिए। और ये देश जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर बनाए। आप ये चाह रहे हैं कि आप इनको अलग कर दें, इनको डिवाइड कर दें, इनको बांट दें, तो ये मुमकिन नहीं है। और कोशिश भी की आपने और प्रयास भी किया और जनता ने आपको जवाब भी दिया, ठीक है, और इसी तरह जनता जवाब देती रहेगी। नफ़रत से अगर आगे बढ़ेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे, और अगर इंसान मोहब्बत से और देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ाता है तो वही इंसान कामयाब होता है। जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए, मुसलमानों को निशाना बनाना बंद कीजिए, क्योंकि सरकार की जो दाल रोटी चल रही है वो मुस्लिम और हिंदू वर्सेस राजनीति चल रही है। ये रोज़गार पर ध्यान नहीं देते, ये शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, ये अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, और बताते हैं कि ये ऐसा है, इनके नाम लिख दिए जाएं, इनके ठेलों पर नाम लिख दिए जाएं कि फला है, ये ऐसा ना हो वैसा ना हो। और कांवड़ियों को, तो कांवड़ियों को मुसलमान जो इस्तकबाल करते हैं वो आपको नहीं दिखाई देता कि जब कांवड़िए आते हैं तो उन्हें चाय पिलाना, उन्हें लस्सी पिलाना, उनका स्वागत करना, इन चीज़ों को आप नहीं वो करते। लेकिन जानबूझकर मुसलमान और हिंदू को अलग करने की जो राजनीति आप कर रहे हैं वो बंद कीजिए, और ये देश कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, आपको